आदाब नाजरीन, SYS चैनल में आपका इस्तकबाल है। रचाकोंडा कमिश्नरेट में एक ऐसा रैकेट को बेनकाब किया गया है जो गलत तरीके से डॉक्यूमेंट्स बनाकर कुवैत को लोगों को भेजा जा रहा था। उसमें 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया और रचाकोंडा कमिश्नर श्री महेश भगवत IPS ने प्रेस मीट करते हुए मीडिया से इसके बारे में तफसीलात बताई। आइए सुनते हैं रचाकोंडा कमिश्नर श्री महेश भगवत IPS ने क्या कहा। हमारा चैनल देखने के लिए शुक्रिया। अगली अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। वीसा एक्सपायरी या वीसा कंडीशन वायलेट करने के कारण से जिनको कुवैत से वापस भेजा है इंडिया को, ऐसे लोगों के फिंगर टिप्स पे सर्जरी करके वो जो फिंगर टिप्स जो म्यूटिलेट हो जाते वो पीरियड में उनको दोबारा दूसरा एड्रेस देके, दूसरी आइडेंटिटी देके उनका फिर से वीसा बना के कुवैत वापस भेजने वाले एक गिरोह का हमने पर्दाफाश किया है। ये जो गिरोह है इसमें जो उसका मुख्य नायक है गज्जाला कोंडुगारी नागा मुनेश्वर रेड्डी करके, ये ज्योति विलेज सिद्धवटम मंडल YSR कडप्पा डिस्ट्रिक्ट का है। ये कृष्णा डायग्नोस्टिक तिरुपति में वहां पे एक्सरे टेक्नीशियन का काम इसने किया है। इसका साथी जो है सागाबाला वेंकट रमणा, ये सुंडुपल्ली विलेज कडप्पा का है और ये बेसिकली एनेस्थीसिया टेक्नीशियन DBR हॉस्पिटल तिरुपति में काम करता है। ये दोनों मिलके ये जो कुवैत से जो लोग वापस आ रहे जिनका वीजा एक्सपायर हुआ करके जिनको वापस भेजा है और उनको वापस काम के लिए कुवैत जाना है या फिर वीजा के टर्म जो वायलेट किए करके वापस भेजा है, ऐसे लोगों को ये लोग कॉन्टेक्ट करके उनके फिंगर टिप्स के ये लोग सर्जरी करते हैं और वो फिंगर टिप्स पे सर्जरी करने के बाद कुछ दिन तक स्टिचेस रहते हैं। स्टिचेस निकलने के बाद कुछ दिन तक सही से फिंगरप्रिंट नहीं आते। वो पीरियड में ये लोग अपना आइडेंटिटी चेंज करके दूसरे नाम दूसरा एड्रेस करके ये लोग दोबारा अपने आइडेंटिटी चेंज करके वीजा के लिए अप्लाई करते और विदेश चले जाते हैं। इस गैंग ने जो है अभी तक हमने 4 लोगों को जो अरेस्ट किया उसमें ये जो 2 लोग है कि जो लोग सर्जरी कर रहे हैं और 2 लोग जो पकड़े गए जिन्होंने ऑलरेडी अपने फिंगरप्रिंट पे सर्जरी की है और वो कुवैत से वापस आए हैं, उनको दोबारा कुवैत जाना इसलिए ये तरीका उन्होंने अपनाया है। ये जो गैंग है 2 लोगों का जो सर्जरी करते हैं, इन्होंने इससे पहले राजस्थान में 2 लोगों को, केरला में 6 लोगों को और यहाँ आंध्र प्रदेश में 3 लोगों की उंगली पे इस तरह की सर्जरी करके उनसे 25,000 से ज्यादा अमाउंट एक आदमी से इन्होंने लिए है। और इसमें से अभी तक कौन कौन कुवैत वापस चले गए उसके बारे में अभी हम लोग को इन्वेस्टिगेशन करना उसका बाकी है। ये जो गैंग हमने अरेस्ट की है उनके पास से ये सर्जरी करने का पूरा सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह हमें मिले हैं, इनके सेलफोन भी हमें मिले हैं। लोगों को बेसिकली ये जो तरीका है कि गलत तरीके से लोगों को बाहर भेजना इसे ह्यूमन स्मगलिंग कहते हैं और इसमें जो आदमी बाहर जाता है वो खुद भी एक्यूज है, वो भी आरोपी है क्योंकि वो पूरी तरीके से वो खुद ही ये रैकेट का एक हिस्सा बन चुका है। इसलिए हमने अभी जो 2 लोग अरेस्ट किए जिन्होंने सर्जरी करवाई उनका यही कारण है ह्यूमन स्मगलिंग का। टोटल 4 लोगों का भी हमने हिरासत में लिया है और उनके खिलाफ IPC के सेक्शन 420, 467, 468, 472, 475, 109 IPC रेड विथ 120B IPC और आधार एक्ट 2016 के सेक्शन 40 और सेक्शन 42 के तहत घटकेसर पुलिस स्टेशन में हमने क्राइम नंबर 675 ऑफ 2022 ये मुकदमा यहाँ पे दर्ज किया है। ये अच्छे काम को अंजाम देने वाले हमारे स्पेशल ऑपरेशन टीम मलकाजगिरी और हमारे घटकेसर के इंस्पेक्टर और उनके टीम, इन सबको मैंने कैश रिवार्ड से नवाजा है। काफी अच्छा काम हमारे SOT टीम ने किया है। धन्यवाद।